हैं कि यूएनजीए के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करें, 3 डे विजिट पर हैं, संडे से लेकर आगे तक, यानी कल तक वो विजिट पर आएंगे इंडिया के। तो आखिर ये जो यूएन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का वहां पे जो विजिट है इंडिया का, उसका क्या मकसद है और उसमें क्या कुछ हासिल हो सकता है उनको भी और इंडिया को भी, हम ये पूछना चाहेंगे। बल्कि इसी के साथ आपकी तरफ एक विजिट जो हो रहा है, उसी के साथ हमारी तरफ एक विजिट होना था, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई ने यहाँ पर आना था लेकिन वो कैंसिल हो गया और उसकी बहुत सारी वजूहत सामने आ रही। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ये जो विजिट है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये उनका फर्स्ट बायलैटरल विजिट है कहीं का, तो आखिर उन्होंने ये क्यों समझा या इसकी कितनी सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मल्टीलैटरल जो इश्यूज हैं वो उसके पर बात होगी, बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी। प्लीज आप हमें जरा बताइएगा कि इसमें वो क्यों तशरीफ लाए आपकी तरफ। देखिए, ये इनका ये जो प्रेसिडेंट साहब है, इनका पहला विजिट है। पहला इन्होंने विजिट अगर इंडिया चूज किया लिया जी, तो ये बताता है इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व जियो पॉलिटिक्स में, इंडिया का बढ़ता हुआ स्टैचर जियो पॉलिटिक्स में। G20 की प्रेसिडेंसी है, SCO की प्रेसिडेंसी है, उन्हें अभी वो लोगों से यहाँ मिलेंगे, उसके बाद वो बैंगलोर जाएंगे, वहाँ ISSC में मिल जाएंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। आज वो हमारे जो राष्ट्रपिता है, आज उनका शहीदी दिवस है महात्मा गांधी जी का, वहाँ गए थे, उनके स्मारक पर उन्होंने फूल चढ़ाए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों से मिले, डेलीगेशन से मिल रहे, लोगों से मिल रहे। तो 3 दिन का विजिट यूजुअली बड़ा विजिट माना जाता है, क्योंकि अभी जो सारी जियो पोलिटिकल एक्टिविटी होती है, जो जियो पोलिटिकल सेंटर अभी है हर चीज़ का, वो इंडिया हो रहा है आने वाले टाइम में। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी का आज डेथ एनिवर्सरी भी थी, वो भी एक रीज़न था। बेंगलोर का विजिट था, G20, SCO की प्रेजिडेंसी, काफ़ी जियो पोलिटिकल चेंजेस जो हो रहे हैं उसका एपी सेंटर इंडिया में। और आप ये मत भूलिए कि इंडिया इज़ द ओनली इकोनॉमी विच इज़ अ शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड रिसेशन टुडे। इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है, इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो रिसेशन में नहीं है, और इंडिया एक ही बिग बड़ी इकोनॉमी है जो 7 पर 8% में ग्रो करेगी, और ऐसा कोई है नहीं। और इससे ये दर्शाता है कि उन्हें सबसे पहले ज़रूरत आनी पड़ी इंडिया ने की, और इंडिया वन ऑफ द हाइस्ट पीस कीपर्स भी देता है यूनाइटेड नेशंस में, और बहुत टाइम से दे रहा है, और इंडियन पीस कीपर्स का बड़ा अच्छा नाम है। तो अगर आप इकोनॉमिक देखिए, सोशियो इकोनॉमिक देखिए, पॉलिटिकल देखिए, जियो पॉलिटिकल देखिए, और जितनी भी मूवमेंट्स है वो इंडिया में हो रही है। तो इन्होंने इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं इंडिया आता हूँ, यहाँ अपना एक जान पहचान, एक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप रशियन यूक्रेनी वॉर की भी देखें, तो कहीं ना कहीं मीडिएशन तो इंडिया को, मोदी जी को ही कह रहे हैं सब कि भाई आप मीडिएट करके इसको ख़त्म कर दो। और आप रशियन यूक्रेनी वॉर के दुनिया भर में आप इम्पैक्ट देख ही रहे हैं, रिसेशन हो रहा है, रिट्रेचमेंट हो रही है, गूगल तक को लोग निकालने पड़ रहे हैं। तो ये जो मैं आपके चैनल पे काफ़ी बार प्रेडिक्ट कर चुका था कि एक बार मैंने किसी एक चैनल पे बोला था गूगल में भी रिट्रेंचमेंट होगा, तो लोगों ने मुझे गूगल की बैलेंस शीट उठा के DM कर दी। तो मैंने कहा ये बैलेंस शीट धरी की धरी रह जाएगा, तुम देखना रिट्रेंचमेंट होगा, क्योंकि मार्केट चलता है सेंटिमेंट पे, सेंटिमेंट ओवरऑल मार्केट का ख़राब है, सेंटिमेंट कोई अच्छा है नहीं। तो ये सब चीज़ों के होते हुए आलिया जी, ये ज़रूरी हो गया था कि वो यहाँ आए, वो यहाँ अपने सबसे मिले, डॉक्टर जयशंकर से मिले। और मुझे पता नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी से मिल रहे नहीं मिल रहे, अभी उसके मेरे पास कोई कंफर्मेशन है नहीं, उसका प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहे। खैर, MEA में तो उनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, ये हुआ है। तो ये और ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि उनका एक रिस्पेक्ट, उनका एक स्टैचर को सलाम, जिसे हम कहते स्टैचर को सलाम, आप स्टैचर हम मैं आया आपके यहाँ। ये नहीं कि हमें इस चीज़ का गवर्नमेंट है, ये नहीं कि हमें इस चीज़ का अहंकार है, बट ये एक कहते हैं, यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कमांड रिस्पेक्ट। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर यू आर कमांडिंग रेस्पेक्ट, यू आर नॉट डिमांडिंग, नहीं, आपको हमारे यहाँ पहले आना पड़ेगा। तो ये आ रहे हैं। और अगर आप देखिए, अगर आप पिछले 2 साल से देखिए, जैसे कोविड की थोड़ी परिस्थिति हट गई है, हल्की हो गई कोविड, तो आप देखिए हमारे यहाँ हर हमेशा कोई ना कोई आया होता। मैं तो ये मानता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो काम करता है उसकी तो सैटरडे संडे का उसकी कोई छुट्टी नहीं है, पूरे 365 दिन या तो कोई आया हुआ होता है या हम कहीं गए हुए होते। और डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर जयशंकर साहब को देखें, उनके पास भी टाइम नहीं होता, आपको कभी वो छुट्टी पे नहीं दिखेंगे। मेरा दिल दुखी है, मैं मर गया, ये मुल्क बचाओ। इसहाक डॉलर, ओ सॉरी, इसहाक डार एक दिन में 35 रुपए कीमत की बढ़ाई, 9 महीने में पेट्रोल की प्राइस में सेंचुरी क्रॉस कर गए। काजी साहब, मुल्क बच गया, मुल्क बच गया, और मुल्क 22 करोड़ बंदों का बेटा गर्द हुआ तो क्या हुआ? पर PTI कहती है मुल्क का सौदा कर दिया है, मुल्क नहीं बचा, मुल्क आपके हाथ से निकल गया है। आप जैसे लोगों को ये लगड़ बगड़ कुछ साफी ना गुमराह कर रहे हैं। जब पेट्रोल 150 था तो इन्हें नींद नहीं आती थी, डॉलर 178 था तो रोजाना ट्वीट करते थे। अब इनकी आंखों में कुकरे पड़ गए हैं, क्योंकि कुछ माफिया का पैसा जेबों में जाने लग पड़ा। और यार, अपनी जेबें भरो,
गरीब की जेंगे तो ना काटो, तो ये है कि जो बातें मैं कल सुन रहा था मोदी की, वैसे उसे ये नहीं कहना चाहिए था, नहीं मोदी को छोड़े आर्टिकल 6 मलक अहमद हाँ सबको को लगा दिया। ये जरा आजम नजीर तारण साहब ने कहा जी हम पे आर्टिकल 6 आप पे तो लग ही नहीं सकती, वो तो उन पे लगती है जो कानून के नीचे हो। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, अभी नहीं है यार, उनका बयान था कि आजम नजीर तारण साहब का ये बयान था कि अगर हम इलेक्शन नहीं कराते, और इलेक्शन क्या आप जो यहाँ पे जियाउल हक पर आर्टिकल 6 नहीं लगी। हालात से हम गुजर रहे हैं, यानी मईशत गर्दी उरूज पे है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। बल्कि मेरा ख्याल है कि जस्ट द अनाउंसमेंट इज लेफ्ट, वो हो चुका है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं और बहुत से लोग पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, सो इन हालात में एक और काबिले जिक्र बात है, हम इसके लिए दहशतगर्दी की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द अपने इन आमाल के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते होंगे, तो ये इस तरह होता नहीं है। मैं इसको गलत ना समझें आप, तो मैं ये अर्ज करूं कि ये कंटिन्यूटी है बुनियादी तौर पे, कभी वक्फा लंबा कभी वक्फा छोटा। मेरे अंदाजे से वक्फा जरा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन इट वॉज एक्सपेक्टेड। कतन इसमें हैरान कुन बाकी जितनी बातें इन्होंने गिनवाई हैं शहजाद चौधरी साहब ने, वो अपनी जगह पे ठीक है, हम कहां रिस्पॉन्सिबल हैं, इधर बैठ गए उधर बैठ गए, ना कुछ सर है ना पैर है ना कोई शय। अगर अपने अपनी जगह पे मौजूद हो, ये एक ऐसा जिस्म है ये सोसाइटी ये मुल्क, जिसमें आंखों की जगह कान है, कान की जगह होंठ है, होंठ की जगह नाफ है, तो कोई चीज अपनी जगह पे नहीं है। और वो बात उस पर गौर करें कि जिसे हम दहशतगर्दी कहते हैं उसे वो क्या कहते हैं। अगर उनके लिए ये कुछ सेक्रेट बात है, कुछ जहाद है, तो उसमें तो ये सब चलता है। रॉबर्ट ब्रूस मकड़ी घर के देख के फिर वो दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है। महमूद गजनवी के 17 हमले हैं, वो 17 हमले नहीं है, वो एक ही हमला है जिसमें 16 वक्फे थे। सो मेरे नजदीक तो ये खत्म ना कभी हुआ है, और अगर हमारा यही हाल रहा तो फिर शायद इसकी नौबत ही ना रहे। मैंने कहा ना 75 साल में आपको पता ही क्या करें, फॉल ऑफ ढाका के बाद आपको लगा कि कपड़े उतर गए, एटम बम बनाओ, बना लिया। अभी सारा कह रहे थे एटमी ताकत, खे एटमी ताकत, इट इज अ डेटरेंट, करो खजरा यूज एटम बम, उसका एक मतलब है बस, ये एक सिंबॉलिक सी बात है। कैसे मुमकिन होता है कि अफगानिस्तान से कोई दहशतगर्द किसी के साथ मिलके बैठ के एक फेंस्ड बॉर्डर के साथ, उसमें गैप्स भी बहुत ज्यादा है कोई शक नहीं है, उसके अंदर ये भी मजबूरियां हैं कि इजमेंट ऑफ फैसिलिटेशन हमने दी हुई है, इजमेंट राइट्स हैं उनके पास कि जो आना चाहे आ जाए, यहाँ पे नौकरी करे वापस चल जाए, नौकरी वापस करके ना जाए तो किसी को पता नहीं चलता कि नौकरी पे आया था सुबह लेकिन दो दिन हो गया नहीं वापस गया। ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे, जब वो जाता किधर है, कौन उसको तैयार करता है, वो किस तरीके से पुलिस लाइन में चला जाता है, वो किस तरीके से पेशावर एंटर कर जाता है, तो ये चीजें हैं। इसका मतलब है एसओपीज के बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। Who is the authority? कौन लुक आफ्टर करता है कि एसओपीज के ये जो गैप्स हैं ये ना हो, इस वजह से फेलियर होते हैं, उस फेलियर की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, हजीमत उठानी पड़ती है, पाकिस्तान का बुरा नाम निकलता है। जितनी मर्जी शहादतें देते रहो, जितने मर्जी तुम अपने बाकी काम करते रहो, जब तक ये नहीं करोगे जो तुम्हारा अपना काम है, और ये अंदर खान ने फवाद चौधरी को छोड़ दो और बाकियों को छोड़ दो, फोकस वेयर द वर्क इज, स्टार्टिंग फ्रॉम राणा सनाउल्ला डाउन टू एनीबॉडी एल्स, इट इज देयर जॉब, बाहर देखें, नहीं तो यही कुछ, खुदा ना खासा, खुदा ना खासा। और ये तोहफे अब नहीं रहे, ये नुकसानात हैं, ये याद रखिए, ये तोहफा कहना बंद कर दें आप शहादतों को। 2014 से एक मुसलस है, एक इविल ट्रायंगल है जिसका शिकार है। एक है सबसे बढ़कर सियासी अदम इस्तेहकाम, दूसरा है गलत मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुसलसल मुआशी बदहाली, और तीसरा है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी का आज का जो वाकया है, उससे पहले आपने खुद ही बताया कि 24 दिसंबर 2014 को पिशावर के 16 दिसंबर 2014 के वाकये के बाद तमाम सियासी जमातों ने सर जोड़कर बैठे थे, उस वक्त जनरल राहिल भी थे, जब ये नेशनल एक्शन प्लान बनाया 20 नुकाती,
और उसके बाद जो मुतअद्दिद ऑपरेशन हुए तो आपने देखा कि 2015-16 तक ये दहशतगर्दी जो है वो बड़ी हद तक ख़त्म हो गई थी, ये वाकयात ख़त्म हो गए थे। लेकिन फिर आपने देखा कि 15 अगस्त 2021 को जब हमारे महबूब अफगान तालिबान, जिनके लिए हम बहुत इतराते थे गलियों में कि ये आएंगे और हमारे सारे कौमी सलामती के मसाइल हल कर देंगे जी। उसके बाद आप ज़रा फिगर्स देख लें, जो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है उसकी फिगर्स ये हैं कि 2020 में जो वाकयात थे वो 193 थे दहशतगर्दी के पाकिस्तान में जी। उसके नतीजे में 169 सिविलियन जो है वो जान बहक हुए और 178 जो है वो हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल जान बहक हुए। आए अगले साल 2021 जिसमें अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया, आपके जो वाकयात थे वो 267 से 214 लोग जो है वो सिविलियन जान बहक हुए और सिक्योरिटी पर्सनल उससे भी ज्यादा 226। और फास्ट फॉरवर्ड करके पिछले साल पे चले जाएं 2022 पे, वाकयात बढ़ गए 361, सिविलियन जो शहीद हुए 229 और जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल 374। तो ये एक आपको नजर आएगा कि किस तरीके से बढ़ रहा है। राणा सनावला ने कहा कि 7,000 से 10,000 मिलिटेंट्स टीटीपी के अफगानिस्तान के उस इलाके में हैं जो कि मशरकी इलाका है उनका। नेक्टा की रिपोर्ट पढ़ लें कि किस तरीके से पिछले जो 4-5 साल हैं जब पीटीआई हुक्मरान थी उसके नतीजे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कमज़ोर हुआ और फिर हमारे जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने किस तरीके से एक नाम नहाद मुज़ाकरात किए जिसमें अफगान तालिबान एक तरह से सालिस का किरदार भी नहीं अदा कर रहे थे, वो सहूलत कारी कर रहे थे दोहा मुआहदे की तरह से। और उसके नतीजे में आप देखें कि हजारों टीटीपी के लोगों को लाया गया, यहाँ तक के जो स्वात के जो दो कसाई मशहूर थे महमूद खान और मुस्लिम खान उनको छोड़ा गया, उनको पार्डन मिला। अब आप ये जरा पूछ के बताएं कि किसकी एडवाइस पे आरिफ अलवी साहब ने उनको पार्डन दी थी।